हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर टू की और हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फिफ्थ is से दैट इज इश्यू रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन द ऑब्जेक्टिव टीचर एजुकेशन आर फॉर्मुलेटेड बाई कौ फॉर्मुलेटिव दैट इज़ एन सी टी ई द मैथड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म इज गिवन बाय किसने दिया था बिहेवियर टर्म में दैट इज रॉबर्ट मेगर एन बी ई वॉज रिवाइज बाय एन पी ई जो था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन किसने रिवाइज़ करी तो जर्दल कम्युनिटी ने भी करी थी राम मूर्ति कम्युनिटी में और यशपाल कम्युनिटी ऑल ऑफ द अबब एन सी टी ई वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी थ्री एन पी ई हैज़ गिवन रिकोगनाइजेशन टू प्राइमरी टीचर एजुकेशन किसको रिकोगनाइजेशन दी थी प्राइमरी टीचर एजुकेशन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ एन पी ई इज़

उसके बाद हमारा द नेचर ऑफ़ टीचर एजुकेशन करिकुलम इज़ द ऑब्जेक्टिव सेंटर कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सेंटर द नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन दैट इज़ एन सी टी ई वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन नाइनटी फाइव द करिकुलम ऑफ टीचर इज डिज़ाइन बाय एन सी टी ई फ्रीडम इन फ्रेमिंग और चेंजिंग करिकुलम टू द यूनिवर्सिटी इज़ ट्वेंटी फाइव टू अपॉन ट्वेंटी परसेंट द टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन मॉडल इज़ तो तीनों मॉडल होते हैं हमारे प्रोसेस मॉडल भी प्रोडक्ट मॉडल भी और प्रसिजेस मॉडल भी रियल वर्ड टीचर एजुकेशन मॉडल इज गिवन बाय किसने दिया था बी ओ स्मिथ ने दिया था टीचर एजुकेशन मॉडल द नेचर ऑफ़ टीचर एजुकेशन मॉडल इज ऑब्जेक्टिव सेंटर प्रॉब्लम सेंटर और कंटेंट सेंटर दैट इज़ ऑल ऑफ द द स्टेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर दैट इज़ ऑल ऑफ दिस द मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन इज गिवन बाय बी ओ स्मिथ

दैट इज इश्यू रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन में क्या क्या इश्यू थे तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश नाइनटीन एटी फाइव इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल इज स्ट्रक्चर और इंट्रैक्टिव होने चाहिए गिवन बिलो आ द टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दी गई हैं एंड इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन सीकिंग दि टू द यूनिवर्सिटी स्टेट मस्ट हैव बीन एग्जिस्ट फॉर टेन ईयर्स वो गया कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन है हायर एजुकेशन वो कम से कम दस ईयर तक तो होना चाहिए अडिमीड ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट हैव एटलीस्ट फाइव पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और एक किसी भी यूनिवर्सिटी में कम से कम पाँच पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होने ही चाहिए तो बोथ बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड सही है या दोनों ही गलत है या एक सही है दूसरी सही तो स्टेटमेंट वन इज इनकर लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सर्शन एक्टिविटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए क्या एक्सटेंशन एक्टिविटी दैट इज कॉन्टीन्यूटी एंड डिस्टेंस लर्निंग को कॉन्टिन्यू करना वट वॉज द अर्लिएस्ट मोड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग दैट इज एजुकेशन थ्रो कॉरस्पेंड द लॉन्च ऑफ सेटेलाइट चैनल बाई इग्नू ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड थ्री फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टेंस एजुकेशन इन एक्लव्य चैनल उन्होंने जो इग्नू ने एक चैनल लॉन्च किया था दैट इज़ एक्लव्य चैनल द पर्पज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया इज़ टू रीच द अनरिचलेबल क्या पर्पज़ है कि जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँची वहाँ तक पहुँचाएं कैसी हमारी है। उसके बाद बोला गया इन विच मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम इज बीन इम्प्लेंटेड इन लार्ज स्केल बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी किससे किया जाता है तो रिसोर्स मॉडल से भी और एटी मॉडल से भी ओपन यूनिवर्सिटी आर फंडेड बाय कौन फंड करना है दट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओपन यूनिवर्सिटी आज करेक्टराइज बाई यूज़ ऑफ प्रिंट कम्युनिकेशन इन इंजीनियर बिल्कुल सो नो फेस टू फेस करना है बिल्कुल सो नो फिक्स क्लास रूम दट इज ऑल ऑफ द वर्क नाउ कम टू द चैप्टर सेवन दैट इज इशू रिलेटेड टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में क्या इशू आते हैं वोकेशनल एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर फॉर्मल लर्निंग का है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द